ओसियां के पूर्व विधायक स्वर्गीय रणजीत सिंह जी का मूर्ति अनावरण उनके पैतृक गांव डामरा के अंदर आज था। वहां पे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत मूर्ति अनावरण करने के लिए आने थे और वो आए भी, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा ओसियां विधायक दिव्या जी मदेरणा वहां पे नहीं आए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुछ हल्की नारेबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस बल द्वारा वो सब चीज़ें दब गई। इस कार्यक्रम के अंदर हर्ष तो जब हुआ जब ओसियां के पूर्व विधायक बैराराम जी सियोल, शंभू सिंह जी खेता सर, वो भी स्वर्गीय विधायक जी से बहुत लगाव रखते थे और मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए आए, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया और वो माल्यार्पण नहीं करने दिया। उनका लगाव इतना गहरा था कि पुलिस से उन्होंने कहा कि आप कब हमें मौका देंगे माल्यार्पण करने का, तब तक हम इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद में उन्हें माल्यार्पण करने का जैसे ही मौका दिया, तब पता चला कि ये जो भीड़ आई हुई थी ये मुख्यमंत्री जी के समर्थन में आई हुई थी या ये भीड़ पूरी जो है सत्ता परिवर्तन चाहती हैं। और जैसा ही ये माल्यार्पण करके नीचे उतरे तो मीडिया ने जब इनसे बात की तो देखने वाला नजारा कुछ अलग ही था। आइए क्या थे इनके भाव मिलवाते हैं आपसे। धक्का चल रहा है मौजूदा राजस्थान की सरकार का, तख्ता पलट हो रहा है जनता जनार्दन का। यहाँ मूर्ति अनावरण के लिए तो मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, ऐसा लग रहा है कि कहीं मूर्ति अनावरण जैसे बैराराम जी और आप करके हैं, जनता इस प्रकार उमड़ रही है। देखो भावना ये जनता का, ये मुख्यमंत्री से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक सूरज चंद्र रहेगा रणजीत सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चंद्र रहेगा रणजीत सिंह का नाम रहेगा, लोकतंत्र में ये स्थितियां बदलती रहती है। आज मुख्यमंत्री है, कल वो संतरी हो सकते हैं, और आज जो संतरी है कल वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ये लोकतंत्र की है बहुत सुंदर परिभाषा। लग रहा है रणजीत सिंह जी से आपका कहीं बहुत करीबी लगाव रहा है। देखिए वर्षों तक हमारा मत भेद रहा, लेकिन मन भेद कभी नहीं। बहुत लंबे समय से रणजीत सिंह जी जब से ब्लॉक पैदा हुए हैं, पंचायत समितियां शुरू हुई है सत्ता में, तब से लेकर लंबे समय तक रणजीत सिंह जी प्रधान रहे, उसके बाद में निरंतर 15 साल विधायक रहे हैं ओसियां से। तो हम शुरू से कांग्रेस के खिलाफ हमारी विचारधारा थी, हमारे और उनके मतभेद थे, लेकिन मन भेद कभी नहीं था। उसी स्नेह और प्रेम के कारण आज हम आए, माला अर्पण की है, जनता जनार्दन का पूरा स्नेह और प्रेम जो उमड़ा है वो आपके सामने है, और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बदलेगी, जनता ये तय कर रही है। जिस हिसाब का माहौल बैराराम जी आज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कांग्रेस का, और अपना राजस्थान के मुख्यमंत्री जी यदि आए, हमने कोशिश की भाई हम ऐसे माल्यार्पण कर दें, लेकिन ऐसा गहलोत सरकार की पुलिस ने हमें पहले ही रोक लिया। उनको कोई शायद वहम था, क्योंकि अभी ऐसा वर्तमान में एक जगह कहीं हमारे कोई प्रधान जी चले गए इस मीटिंग में, उसके जस्ट एक दिन बाद में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत दुखद हादसा हुआ, हृदय विदारक घटना थी। लेकिन आज जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है, और मैं समझता हूँ एक जैसे मानवीय सांस्कृतिक मूल्यों का कार्यक्रम है। जिन्होंने तीन तीन बार चर्चर बार ओसियां के प्रधान रहे, तीन तीन चर्चर बार ओसियां विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके जैसे विधानसभा में जैसे ओसियां का प्रतिनिधित्व किया, एक ये तो सच्चे और नेक इंसान के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आए। यहाँ कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये बोलना चाहिए सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों की एक एक अपने आप के अंदर एक परख है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उधर अपना कार्यक्रम किया, हमारे भी उनके प्रति श्रद्धा थी, हमने और शंभू सिंह जी ने आके और पूरी टीम ने आके, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और पूरे कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने आके इनका माल्यार्पण किया, और उनकी याद ये तो चिर स्थायी बनी रहे, और उनके जो अच्छे और नेक ये तो किए हुए कार्य
या दूसरे लोग उनको याद रखे। और मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक भेदभाव ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे को पुलिस ने शंभू सिंह जी को और हमारे को नहीं जाने दिया। अब इनकी पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर इनका है, नहीं जाने दिया तो हम लोग शांति के साथ बैठ गए। एक भाषण के अंदर भी कहा गया था कि भाजपा परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं जुटा पा रही। अब ओसिया में परिवर्तन यात्रा आएगी तो भीड़ कितनी जुटती है कितनी नहीं जुटती है उसका जवाब तो हम ओसिया में भी देंगे और पूरे राजस्थान के अंदर आप देखेंगे गंगानगर से लेकर और इधर से आपके चारों ये सेक्टर में जहाँ से परिवर्तन ऐसा यात्रा ऐसा निकल रही है वहाँ जगह जगह दुनिया का और राजस्थान का ऐसा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो पिछले 2013 में 163 सीटें आई थी इस बार 164 सीटें आएगी। आप ऐसा नोट करके और अपने ये जैसे चैनल के माध्यम से ये बात ऐसा याद रखना 7 दिसंबर 2023 को आपसे और जम्प सार से हम आपसे मिलेंगे 164 सीटों के साथ में। आप भी हमें फूलमाला पहनाएंगे। भारत माता की जय।